अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग बाय जेनीन में। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी आलू कीमा पुलाव की रेसिपी, जो बहुत ही जल्दी बन जाएगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होगी। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ एक कुकर लेंगे, उसके अंदर मैं यहाँ कीमा डाल रही हूँ, इससे मैंने अच्छे से धो लिया था। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी प्याज, प्याज को मैंने कट कर लिया है, कट करके डाला है। और इसके बाद मैं यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और थोड़ा सा पानी डालेंगे। और इसमें हम 3 सीटी लगाएंगे ताकि जो हमारा कीमा है वो गल जाए और जो स्मेल आती है ना वो ना आए। जब तक हम मसाला पीस लेते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे लहसुन, अदरक, टमाटर लिया है। और हरी मिर्ची डालेंगे, 4 हरी मिर्ची डाली है मैंने। ये बहुत तीखी नहीं है मिर्ची, फीकी है, इससे मसाला भी बन जाता है और टेस्ट भी आता है। ये लीजिए, मसाला रेडी है और हमारा जो कीमा है वो भी पक चुका है। अब इस सीटी को हटाएंगे हम। ये देखिए कीमा भी गल चुका है हमारा। यहाँ पे मैंने जो मसाला पीसा था और रखा है, उसके बाद मैं इसमें जीरा और काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डालूँगी। इसको अच्छे से मिला लें। अब यहाँ मैंने एक कुकर लिया हुआ है, उसमें तेल डालूँगी। अब हम मक्के मसाले डालेंगे। यहाँ पे मैंने तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्च, स्टार, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी लिया है, सबको डाल देंगे। उसके बाद मैं इसमें प्याज डालूँगी। प्याज ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें जो हमारा कीमा था वो डालेंगे, जो हमने उबाल लिया था। उसके बाद जो हमारा मसाला है जो हमने बनाया था वो डालेंगे इसमें और इसे अच्छे से भून लेंगे। इसे लो फ्लेम पे ही भुने आप, जितना अच्छा मसाला भुनेगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए मसाला भुन चुका है, तेल ऊपर आ चुका है। अब मैं यहाँ पे हरा मटर डाल रही हूँ और आलू डालूँगी। इसे अच्छे से मिला लें। अब इसमें मैं नमक डालूँगी और टमाटर, हरी मिर्ची डालेंगे। सबको अच्छे से मिला लें। अब इसमें मैं चावल डालूँगी। चावल को मैंने धोकर 15 मिनट भिगोकर रखा था। उसके बाद मैं इसमें 1.5 गिलास पानी डालूँगी। और इसमें हम 2 सीटी लगाएंगे। लीजिए तैयार है हमारी आलू कीमा पुलाव, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है दोस्तों, बहुत ही अच्छी है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।